Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. चुनावी मंच हो या एक्टर का पंच, फटाक 30 सेकंड में खबर, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। बिहार के कैमूर में एक अनोखा मामला सामने आया है। अस्पताल में भर्ती एक महिला ने अपने नवजात बच्चे के चोरी होने का आरोप लगाया है। उधर इस संबंध में अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि महिला की बच्चेदानी ही नहीं है तो वो बच्चे को जन्म कैसे दे सकती है। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है, जांच पड़ताल जारी है। चलिए अब आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। कैमूर में स्वास्थ्य विभाग का एक बड़ा कारनामा उजागर हुआ है। चैनपुर प्रखंड के ककड़ी कुंडी की महिला अनिता देवी ने चैनपुर PHC में बच्चे को जन्म दिया है। जन्म के बाद अस्पताल से बच्चा चोरी हो गया तो अस्पताल प्रशासन ने बच्चा नहीं होने का प्रमाण देना शुरू कर दिया, जबकि गर्भवती महिला को आंगनबाड़ी से लेकर PHC तक टीकाकरण किया गया है। मामला चैनपुर थाना के ककड़ी कुंडी गाँव का है। महिला और उसके परिजन महिला को उसका बच्चा दिलाने में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ये साबित करने में जुटा हुआ है कि महिला की बच्चेदानी ही नहीं है तो वो मां कैसे बन सकती है। मामले में PHC के प्रभारी राज नारायण प्रसाद चौधरी का कहना है कि महिला को बच्चेदानी ही नहीं है, फिर बच्चा चोरी कैसे हो सकता है, ये महिला माँ नहीं बन सकती है। यहाँ जो जाँच किए तो थाना आया था साथ में लेकर महिला को, तो हमने NM से जांच करवाया और डॉक्टर साहब भी थे तो उसी दिन रिपोर्ट दे दी थाना साथ ही लेते गया। तो उसमें जांच में हमारे यहाँ जो जांच हुआ तो डिलीवरी का कोई ऐसा सिम्टम था नहीं, और जो डिलीवरी होता है किसी औरत को तो यूट्रस का साइज बड़ा रहेगा, डिस्चार्ज होगा, वो सब कुछ नहीं था। तो इतना तक तो हमने रिपोर्ट दिए, लेकिन इसको फिर रेफर कर दिया है और कंफर्मेशन के लिए जिला में। महिला थाना से लेकर जिला तक गुहार लगा रही है कि जिस बच्चे को जन्म दिया है उस बच्चे को दिलाया जाए। मामला तूल पकड़ने के बाद चैनपुर पुलिस ने सदर अस्पताल में महिला का जांच कराया, जहां CS के निर्देश पर 3 महिला चिकित्सकों के दल ने महिला का जांच भी किया। आपको बता दें कि इस दल द्वारा महिला का बच्चादानी नहीं होने की बात भी कही गई है। औरत आती है, पहले एक एंट्री होगा, पहले रजिस्टर में इमरजेंसी रजिस्टर में, उसके बाद उसका जांच होगा, हीमोग्लोबिन जांच होगा, ब्लड प्रेशर जांच होगा, फीटल अल्ट्रासाउंड देखा जाएगा, नीचे से जांच करके और देखा जाए कि डिलीवरी का स्थिति है कि नहीं। जी ना 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 नहीं किया, होबे नहीं किया तो जाँच कीजिए, और रजिस्टर में कहीं कुछ नहीं चढ़ाया गया, आईबे नहीं किया तो चढ़ेगा कहाँ से, बेबुनियाद है। और उनको सारा स्टाफ को खड़ा किया गया और कहा गया कि इसमें से किसी को पहचानो जो तुम्हारी डिलीवरी कराई हो, तो कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ आई ही नहीं थी इसीलिए उसको मालूम नहीं था। मामला जब केंद्र मंत्री अश्विनी चौबे के पास पहुंचा तो उन्होंने तुरंत जांच का आदेश भी दे डाला है और कहा कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मीडिया के द्वारा संज्ञान में आया है, हमारे जिला प्रशासन के पदाधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं, इसकी पूरी जांच कराएंगे और इसमें जो भी दोषी होगा, जिस स्तर का भी लोग हो, उसको दंडित किया जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिला। सर जांच में सर ये हुआ कि उसका बच्चा नहीं, जांच में आंच नहीं। वहीं इस मामले पर सीमा देवी आशाकर्मी का कहना है कि मैं इसी गांव की हूँ, जब अनिता देवी गर्भवती हुई तब से उन्हें आंगनबाड़ी से लेकर उप स्वास्थ्य केंद्र तक समय समय पर टीका दिया गया है। महिला ने बच्चे को जन्म भी दिया, पर अधिकारी बोल रहे हैं कि महिला माँ बन ही नहीं सकती है क्योंकि उसके पास बच्चेदानी नहीं है, ये भला कैसे मुमकिन है। हाँ बच्चा उनके होके वाला रहे, 3 महीना हो गल तो इन्हीं तो कहानी हमसे कि हमारी डिलीवरी होके वाला है, तो टीका लगत रहे तो उनके 20 के उनके टीका लगल है फर्स्ट, आ 16-21 के लगल है सेकेंड, अब फिर ओकरे बाद वो कहाँ जाँच करा रहे उनको पता नहीं। तो वहीं उनके परिवार की एक महिला ने जो कुछ कहा है जरा वो भी सुनिए। तो गई अपन जांच करावे खातिर तो यहाँ ले 1 घर से निकाना नहीं, तब गल ही बढ़िया गाड़ी पकड़ ले टेम्पू पकड़ ले के बाद में हाटा गल है उनके 2 तो कुछ दर्द होगा है पेट में, दर्द होने के लिए टेल टंकी तो उतरा है, 500 का नोट दिया है भजावे के टेम्पू वाला के, तो 500 रुपया भजा के टेम्पू वाला दिया है, देले के नाम पर कंचना के अस्पताल में अनिता देवी गया है। अब सवाल कई है, एक सवाल तो ये भी है कि अगर वो माँ नहीं बन सकती है तो
फिर आंगनबाड़ी से लेकर उप स्वास्थ्य केंद्र में लगातार टीकाकरण क्यों दिया जा रहा था? क्या कैमूर स्वास्थ्य विभाग बिना गर्भवती महिला को भी गर्भ व्यवस्था में सुई देता है? आखिर मामला है क्या, ये भी जांच का विषय है कि आखिर कांड में दोषी कौन है, कौन झूठा है और कौन सच्चा है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जिले में चर्चा का बाजार गर्म है। कैमूर से इस खबर को हमारे लिए फाइल किया है रंजन कुमार ने। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें बिहार तक।